इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने। हसन निसार साहब, आप तजारत के हक में हैं कि भारत के साथ जो तजारत का फैसला पहले आया था उसको रिवर्स नहीं करना चाहिए था कैबिनेट की जानिब से, फेडरल कैबिनेट की जानिब से, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो 100% इसके हक में हूं। मुझे चंद सवालों के को जवाब दे दे, बात सुने। एक कॉमन सेंस की बात है ना, यहां तो कोई आपको समझा दे जी। मुझे कोई एतराज नहीं है समझने में, मेरा क्या इशू है। देखें, कश्मीर तो बहरहाल कोई माने ना माने, वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, ठीक है, एक मुतनाजा इलाका है। मुझे बताएं, मशरकी पाकिस्तान पे तो कोई तनाजा नहीं था, कहां गया? बिल्कुल क्यों गया? बहुत लंबी, बहुत भयानक एक किताब है, दालियम बीर उत्तम, आप समझ लो जैसे हमारा निशान हैदर है बांग्लादेश का। उस किताब का नाम है बांग्लादेश एन अनटोल्ड स्टोरी, कभी पढ़ के देख लो आप। अच्छा, जो बाकी मांदा पाकिस्तान है, मुझे बताओ जो हमारे पास है, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई रौला नहीं, कोई खप नहीं, हमारी हुकूमतें हैं और जैसी भी हैं अपना मुस्तकम है, कोई रौला नहीं है उस पर, कोई डिस्प्यूट नहीं है उस पर, इसमें आम आदमी का हाल क्या है? 73 साल में पीने का साफ पानी, चांद तो मांगा ही कभी किसी ने नहीं जी, दो वक्त की रोटी। मैंने जब से होश संभाला है, मैं लोगों को इसी आटा नहीं है, रोटी नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, महंगाई हो गई है जी, भूखे मर गए जी, फलाना हो गया जी, टमकाना हो गया, हमेशा ये मातम करते देखा है। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने इस मुल्क के की भारी अक्सरियत को दो वक्त की रोटी के गिर्द भागते देखा है। उनका तो आप कर कुछ नहीं सके। ये आई डोंट नो, अब सियाने लोग हैं, जाहिर है हुक्मरान है, इनको ज्यादा अकल होगी तो हुक्मरान है ना, नहीं अदरवाइज नहीं।, नहीं। अच्छा, मैंने उस कॉल में जिसमें मैंने ये जिसमें मैंने कहा कि अच्छा फैसला है, साथ ही मैंने ये भी लिखा कि पॉपुलर फैसला नहीं है, उसका मकसद ये था कि किसी वक्त भी ये रिवर्स हो सकता है। और एक बात मैं और आपका बताऊं, ये बहुत जरूरी बात जी। हमारे यहाँ ये चूंकि मोस्टली चपड़कनातिया क्लास होती है, ये कहते क्या हैं हमारे पॉलिटिशियन, जरा गौर करें। हम आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं, वो शर्म करो, तुम्हारा काम हमारी उमंगों की तर्जुमानी से ज्यादा हमें उमंगों को तरजीहात उनमें पैदा करना सिखाना है। हुजूर ने क्या किया था, आप यासिन मदीना की बात करते हैं, उन्होंने तो अवाम की उमंगों को पलट के रख दिया था। वो तो बुत पूजना चाह रहे थे भाई, वो तो सूद भी खाना चाह रहे थे, वो ये भी करना चाह रहे थे, वो भी करना चाह रहे थे, उनको बिल्कुल उलट के रख दिया, अवाम की उमंगों को की डेफिनेशन तब्दील कर दी। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। ये पॉपुलर फैसले, पॉपुलर चीजें करने की कोशिश करते हैं, नतीजा फिर क्या होता है, मफरूर हो जाते हैं। तीन बार वजीर आजम बन गए, पता नहीं क्या कर करा के, नतीजा कभी जद्दे भाग गए, कभी इंग्लैंड भाग गए, कभी किसी से डील कर ली, कभी किसी से डील कर ली। तो ये अजीब तरह का मटेरियल है, एक दूसरे फैसला करना मुश्किल है, सच्ची बात ये। लेकिन हसन निसार साहब, अगर मुस्तकबिल के बारे में अगर कहीं कोई कमी खामी है तो फिर हमें उसको भी तो इंडिकेट करना चाहिए ना। लाइक जिस तरह आप कह रहे हैं कि अनपॉपुलर डिसीजन करने होते हैं लीडरशिप को, और लीडरशिप अपने आप को दूसरों से मुमताज इसी सूरत में कर सकती है, तो फिर ये अनपॉपुलर डिसीजन करने की हिम्मत या ताकत फिर उस लीडरशिप में क्यों नहीं है जो 25 साल जिद्दोजहद करने के बाद इस वक्त लीडर है हमारे? मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। फिर आप फिर अपने डिसीजन रिवर्स क्यों करते हैं अगर आपने ले लिया है तो?
देखो ये तो हिम्मत, हौसले, सकत और यकीन की बात है ना जी, अदरवाइज तुम तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जिधर चाहे, दूसरी बात ये है कि जिंदगी में लर्न किए हुए को लर्न करना मुश्किल है कि लेकिन इससे करोड़ गुना मुश्किल काम है अनलर्न करना। सीखना मुश्किल है जिंदगी में, कुछ भी सीखना, लेकिन इससे कई गुना मुश्किल है सीखी हुई चीज को अनसीखा करना, अनलर्न करना। इट्स डिफिकल्ट टू लर्न बट इट्स मोर लेस इम्पॉसिबल टू अनलर्न, अगर आपने वो गलत सीख लिया है आपने। तो एक माइंडसेट है, उधर भी तो इंसान ही बसते हैं ना अक्रॉस द बॉर्डर, क्या हाल है उनका, जिनके अंदर जमीर है, जिनके अंदर जेन है, जिनका दिल धड़कता है। वो मरकंडे काटजू साहब जो उनके चीफ जस्टिस हैं, और बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े अच्छे नाम हैं, जो इन बेहूदगियों की मुखालफत करते हैं, जो एक वहशत और जुनून वहाँ मार्केट किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, वरना कैसे मुमकिन है। ये कुछ दरिंदे हैं, अशरफुल मखलूकात। आप अपने अपने जैसों पे जुल्म ढाते हो, उन पे जबर करते हो, उनको उन, 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 उनको सप्रेस करके रखना चाहते हो, उनसे उनके मजहब, उनका अकीदा, उनका इतकाद, उनका सारा कुछ छीनना चाह रहे हो आप, तो क्या है ये लीडरशिप का कहत है बेसिकली। नहीं होता, आज भी वो कांग्रेस है, तल्लुकात हमारे जैसे भी हों जब भी हों, लेकिन जो मौजूदा रिजीम है तो भयानक सूरत हाल है। तो सिविलाइज इंसान है ही नहीं है ये अशरफुल मखलूकात नहीं, ये अशरफुल मखलूकात की फोटोकॉपीज हैं। अशरफुल मखलूकात का तो लेवल ही और है भाई। तो इसलिए इनका इनके बारे में सोचना, हसन निसार साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर का मामला इज अ सेपरेट थिंग, और अगर दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा किस तरीके से हसन निसार बात कर रहे थे, जो इमरान खान ने यू टर्न लिया है। आपको बता दें इमरान खान के एक मिनिस्टर ने बोला था कि हम भारत से बहुत जल्दी ट्रेड चालू करेंगे, और उन्होंने कुछ नंबर भी दिए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि कपास और शुगर की जो मतलब कमी हुई है पाकिस्तान में, उसे इंडिया से बुलवाया जाएगा, मतलब इंडिया से ट्रेड किया जाएगा। तो उस पर दूसरे दिन हुआ क्या, इमरान खान ने ले लिया उसमें यू टर्न, और उसके बाद कुछ ऐसा सीन हुआ कि सारी दुनिया में पाकिस्तान की हो गई बेइज्जती। इसके पीछे बेसिकली इमरान खान की मतलब कन्फ्यूज़न भरी पॉलिसी ही थी। आपको बता दें कि इमरान खान के मतलब ऑर्डर से ही उस मिनिस्टर ने एक दिन पहले बोला था कि हम भारत से ट्रेड करेंगे, और उसके एक दिन बाद इमरान खान ने बोला कि जब तक कश्मीर से आर्टिकल 35A और धारा 370 नहीं हटती है, हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे। तो उस पर हसन निसार का ये रिएक्शन आया। आपको बता दें हसन निसार वैसे इमरान खान की पार्टी के फाउंडिंग मेम्बर रहे हैं और इमरान खान के काफ़ी बड़े सपोर्टर हैं। तो हसन निसार ने बोला है कि भारत से ट्रेड होनी चाहिए, कश्मीर का मुद्दा अपनी जगह है लेकिन भारत से ट्रेड होनी चाहिए, इस तरीके की बात हसन निसार ने बोली है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हालांकि इंडिया तो इस बार पॉजिटिव था और पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा था, क्योंकि आप कब तक अपने पड़ोसी के साथ इतना मतलब रूड रह सकते हैं? आपको कभी ना कभी तो एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना होगा, भारत ने वो दिखाया, लेकिन इस बार पाकिस्तान की तरफ से मतलब उनका खुद को उनको चाहिए था और खुद ही वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से आएंगे आप लाइन पे, कुछ टाइम लगेगा। वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान के क्या हालात हैं अभी इस समय, वैसे भी पाकिस्तानी लोग वहाँ के व्यापारी कुछ हड़ताल पर बैठ गए कि कपास बुलवाओ नहीं तो हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, जब तक कपास की नई फसल नहीं आएगी 6-6 महीने तो वो जो लेबर है वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो हड़ताल पर बैठ गए। हालांकि अब इमरान खान का जो एटीट्यूड है वो उनका मतलब उससे मतलब बड़ा है, तो आप समझ सकते हो ये पॉसिबल नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है, भारत को तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ने का है केवल पाकिस्तान को। हालाँकि आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड है वो मतलब जो
डेढ़ साल से बंद है लगभग, और अभी भी पाकिस्तान भारत से एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि मेडिकल के जो प्रोडक्ट है वो लेता है, मतलब आप समझ सकते हो मेडिकल के प्रोडक्ट जैसे रेबीज के इंजेक्शन और बहुत सारी मेडिसिन वगैरह, उस पर रोक नहीं लगी है और उसमें भारत ने भी रोक नहीं लगाई, क्योंकि ये तो एक आप समझ सकते हो कि सामाजिक कार्य है। अगर हम वो उस पर रोक लगा देंगे तो फिर डेफिनेटली जो वहाँ पे बेकसूर लोग हैं जिनको दवाइयाँ चाहिए अगर वो भी बंद कर देंगे तो फिर तो ये डेफिनेटली बहुत गलत कदम होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।